नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में कैंसर कीमोथेरेपी स्पेशलिस्ट हूँ। यह वीडियो आंत्रणों के कैंसर के विषय में है। हम जानते हैं कि पेट, जठर या आंत्रणों का कैंसर काफ़ी प्रचलित है और यह काफ़ी कॉमन होते जा रहा है। बहुत सारे कारण इसके लिए कारणीभूत हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो कारण है वो है व्यसन। तंबाकू किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो टोबैको च्यूइंग हो, स्मोकिंग हो, ये हानिकारक है, हार्मफुल है और इससे कैंसर होने का धोखा, अलग अलग ऑर्गन्स का कैंसर होने का धोखा काफ़ी बढ़ जाता है। जब इसके साथ अल्कोहल का सेवन भी किया जाता है तो ये धोखा 2 या 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ये सब केसेस में हमको ध्यान रखना है कि अगर हम इन सब से बाहर निकल सके और एडिक्शन या किसी भी तरह का व्यसन ना करें तो हम इन सब से निजात पा सकते हैं। पुरुषों में होने वाले करीब 60-70% कैंसर्स ये किसी न किसी व्यसन की वजह से होते हैं और अगर आप व्यसन बंद कर सकेंगे तो इनमें से पूरी तरह से निजात पाएंगे। आंतड़ों का कैंसर, इसको हम कोलोन कैंसर बोलते हैं, बड़े आंतड़े जिसमें कैंसर होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये इंसिडेंस बहुत सारा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस ऑल्सो। फैटी फूड, प्रोसेस्ड फूड खाने, लेस फाइबर डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं आंतड़ों के कैंसर इंसिडेंस बढ़ने के लिए। और इसके लिए इसको डिटेक्शन के लिए एक बहुत सिंपल टेस्ट है, डिटेक्शन इन द सेंस हम जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग, एक स्टूल टेस्ट करनी है आपको साल में एक बार। अगर उसमें ब्लड दिखता है, ऑकल्ट ब्लड, तो आपको स्कोपी करा लेनी है, जिसको हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ये ब्लड आने का रीज़न क्या है। वो टीबी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वर्म इन्फेस्टेशन हो सकता है या कैंसर भी हो सकता है। सो जिस पेशेंट को स्टूल में ब्लड आ रहा है, ब्लैक कलर्ड मोशंस हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उसने तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी है, स्कोपी करानी है और आगे की जांचें करानी है। एक बार बायोप्सी से कंफर्म हो जाए कि कैंसर है, उसमें भी हम स्कैन्स और पेट स्कैन्स करवाते हैं ताकि हमको स्टेजिंग पता चले। आंत्रणों के कैंसर, बड़े आंत्रणों के कैंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्जरी, और जहाँ पर भी सर्जरी पॉसिबल है उसको हम सर्जरी करके उस आंत्रणों को निकाल देते हैं, उसके आजू बाजू के लिम्फ नोड्स को हम निकालते हैं ताकि हमको एग्जैक्ट स्टेजिंग का पता चले। आंत्रणों के कैंसर में फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में कीमो की जरूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेज में किसी को भी जरूरत नहीं है, सेकेंड स्टेज में आधे पेशेंट्स को हम कीमो की जरूरत नहीं है ऐसा समझते हैं। उसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट, मॉलिकुलर टेस्ट करवा के कन्फर्म कर सकते हैं। अगर आंत्रणों का कैंसर स्टेज 3 में पाया जाएगा तो उसमें ऑलमोस्ट सबको कीमोथेरेपी दी जाती है। जो आंत्रणों के कैंसर लिवर, लंग्स या बोन्स या पानी में फैले होते हैं उनको कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आंत्रणों के कैंसर में कुछ साल पहले तक हमारा सर्वाइवल वन ईयर या 1 साल से कम था। नए नए ट्रीटमेंट जिसको हम कीमो, टारगेटेड या इम्यूनो बोल रहे हैं, उसमें अभी ये सर्वाइवल कम से कम 2, 3 या 4 साल तक हुआ है। सो मेरा ऐसा मानना है कि ट्रीटमेंट के लिए ना घबराएं, अगर डिटेक्ट भी हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी इलाज कराएं ताकि उसको कंट्रोल कर सकें। आज भी कुछ लिवर लिमिटेड डिजीज, जिसको हम बोलते हैं कि अगर कैंसर सिर्फ लिवर में है आंत्रणों के अलावा, तो हम उसको पोटेंशियली क्योर कर सकते हैं विद दी वेरियस ट्रीटमेंट मोडालिटीज, इंक्लूडिंग रेडिएशन, इंक्लूडिंग कीमो एम्बोलाइजेशन, इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। जहां पर कैंसर पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है, वहां उसे कुछ समय तक, कुछ सालों तक कंट्रोल तो भी किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आंत्रणों के कैंसर के केसेस हैं जिनमें कैंसर फैलने के बावजूद कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से सालों साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीमारी कंट्रोल रही है। अगेन, यहाँ पे हमारा एम्फेसिस या जोर इस बात पे ही रहेगा कि जैसे ही आपको कुछ सिम्टम्स लगते हैं जो अनयूजुअल हैं, स्टूल में ब्लड आ रहा है, ब्लैक कलर स्टूल्स हो रहे हैं या कुछ वेट लॉस हो रहा है, आप इन्वेस्टिगेट कराइए। ज़रूरी नहीं वो कैंसर हो, लेकिन अगर कैंसर हो तो हमको वो ट्रीटमेंट का और क्योर का विंडो मिस आउट नहीं होना चाहिए। फॉर एनी क्वेरीज यू मे कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर्स, द नंबर्स विल बी हाईलाइटेड बिलो। थैंक यू।